तो खाली रहती वही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नर बसते महाराज। एक बार एक भैया की शादी होके आई तो बहू बहुत पढ़ी लिखी रहे, लेकिन सास जो रहे बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। तो जब शादी होके आई, सासू माँ बोली देखो ऐसा है तो घर में पैर तब दोगी, भोजन तब करोगी। पहले गांव के बाहर देवी दुर्गा का मंदिर है, वहां पर जाओ, पहले पूजा करो, खीर पूरी का भोग लगाओ, तब आकर के घर में भोजन करोगी। अब बहू ने सोची चलो कोई बात ना, अगर नई नई आए अब बोल ले तो सब जगह कि बहू आते ही आते बोलने लगी बहुत बात कर रही। तो खीर पूरी बनाई, और जब खीर पूरी बनाई तो बोली चलो। तो मंदिर पे पहुंची, मंदिर के बाहर दोनों तरफ शेर रखे हुए थे, तो मुंह बाएं खड़े हुए थे शेर, पत्थर के बने हुए थे मंदिर के बाहर दरवाजे पर। तो जैसे ही बहू ने वे शेर देखे सो एकदम चिल्लाने लगी, अम्मा ये हमें शेर खा लिए। सास कहने लगी हमें जब मालूम पते जब बहू बनाए शेर ने आई गई। अब जे बताओ जे पत्थर के शेर रखे हैं तो कैसे खा लिए, कब पागल हो गई। बोले अम्मा एक बात बताओ, जे अगर शेर हमें ना खा लिए तो जे अंदर जे देवी दुर्गा बैठी हैं वे तुम्हारी खीर पूरी कैसे खा लिए। तो खीर पूरी उठाई और अपनी सासू के मुंह में भद्दई और सासू माँ को खवाई और बोली मैया तुम ही शेरा वाली हो। बोले हम शेरा वाली कैसे हैं। बोले सुनो मैया तुम्हारी माँ शेरा वाली हो, तुम्हारी माँ शेरा वाली हो। बोले कैसे। बोले सुनो मैया शेरे का तो मने जायो कि आई वो हम मोहलायो, अरे किसी शेर के कारण माथे पे नाली है। तो भाई माँ वाली हो, शेर के तुमने जायो ब्याह वो हमको लायो, और उसी शेर के कारण ही माथे पे लाली है तुम्हारी माँ शेरा वाली हो। मैया तुम्हारी हमारी सब कुछ हो, और खैर सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा,
घर में करो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम घर में सास ससुर की सेवा कर रही हो तो अगर चार धाम यात्रा आपने नहीं की लेकिन फिर भी आपका उद्धार हो जाएगा। घर में सास ससुर भूखे बैठे, पति को रोजाना गाली दे रही और बाहर तीर्थ धाम की यात्रा कर रही है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।